हरियाणा के करनाल में पकड़े गए चार आतंकियों पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान। NIA को सौंपे गए चारों आतंकी, बोले हरियाणा पुलिस ने की गहन पूछताछ। इनसे और खुलासे होंगे। NIA में केस जाने से इनके नेटवर्क को तोड़ने में और सफलता हासिल होगी। हरियाणा के करनाल में सूचना के आधार पर हरियाणा पुलिस ने चार आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद हरियाणा पुलिस लगातार इन आतंकियों से पूछताछ कर रही थी। हरियाणा पुलिस की कस्टडी में मौजूद इन चारों आतंकियों को अब NIA अपने साथ ले गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि चार आतंकियों को NIA को सौंप दिया गया है। विज ने कहा, मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इन आतंकियों की मल्टी स्टेट एक्टिविटी पकड़ी गई है, जो ये काफी लंबे समय से कर रहे थे। NIA द्वारा इस केस को हैंडल करने के बाद इनके नेटवर्क को तोड़ने में और सफलता मिल सकती है। करनाल में चार आतंकी पकड़े गए थे, उनको लेकर क्या अपडेट है? उसमें हमारी हरियाणा पुलिस ने सारी काफ़ी तफ्तीश की है। अब उस केस को NIA ने अपने हाथ में ले लिया। सब हरियाणा पुलिस ने भी काफ़ी कुछ तफ्तीश की है, कुछ और भी कड़ियाँ जो है आगे निकल सकती हैं इसमें? हाँ, यकीनी तौर पर, क्योंकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है और इनकी मल्टी स्टेट एक्टिविटीज़ पकड़ी गई हैं, कई जगह पर इन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं और काफ़ी लंबे समय से ये एक्टिविटी कर रहे थे, तो NIA के पास जाने से और जानकारियां इसमें निकाली जा सकती हैं, हासिल हो सकती हैं और इनके नेटवर्क को और अंदर तक जाके तोड़ने में सफलता मिल सकती है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।